तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पेनासिया बायोटेक के स्टॉक के बारे में। पेनासिया बायोटेक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगातार क्लियर अपट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार यहाँ पर गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 4.31% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक की बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू रही तो यहाँ से भी गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 154 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 146, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 140, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 136 के लेवल से यहाँ पर देखने को तो मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 162 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 172, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 185, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अभी 200 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसा नेक्स्ट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।